है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने इंडेक्स नंबर के ऑलरेडी दो मतलब वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके उसको वॉच आउट कर सकते हो। मेरा एक ये एम है कि मैं हर एक टॉपिक का सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए और अच्छा होता जाए। ठीक है, तो चलो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में देखा है ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर का ओरिजिन कब हुआ और कैसे हुआ। जैसे राइसबर्गर ने, एक वो इंग्लिश मैन थे, एक राइटर थे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि हमें अगर प्रीवियस ईयर के प्राइस का करंट ईयर के प्राइस से कंपैरिजन करना है तो विच टूल वी हैव टू यूज़ फॉर दैट थिंग। तो उन्होंने फिर फर्स्ट टाइम 1777 में इंडेक्स नंबर का यूज़ किया। फॉर व्हाट पर्पस? टू कंपैरिजन द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, अब उसमें कुछ कमोडिटीज़ उन्होंने यूज़ की थी, वीट यूज़ किया था, ओट्स यूज़ किया था, बीन्स यूज़ किया था, क्लोथ्स यूज़ किए थे और मीट भी यूज़ किया था। लाइक अगर लास्ट ईयर प्राइस क्या था और इस साल में प्राइस में क्या फ़र्क देखने के लिए मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन देखा, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो इकोनॉमिक के मेजर में इकोनॉमिक थिंग को मेजर करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल को मेजर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर हमने डेफिनेशन देखे थे, दो डेफिनेशन यहाँ दिया है, एक स्पिगल की डेफिनेशन है, एक रॉटन की डेफिनेशन है। यहाँ पर बताया गया है कि इंडेक्स नंबर एंड इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो द चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद अ रेफरेंस ऑफ टाइम। यानी कि टाइम का रेफरेंस देखते हुए, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए और जिसके अदर कैरेक्टरिस्टिक है लाइक इनकम या प्रोफेशन, उनको भी देखते हुए प्राइस का कंपैरिजन हो सके। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके फीचर्स बताए थे, टोटल 8 फीचर्स है इसके। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, पहला था बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है। बेस ईयर को 0 से डिनोट किया जाता है और करंट ईयर को 1 से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ नोटेशन दी हुई है, P0 इज इक्वल टू बेस ईयर, P1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर। देन यहाँ पर Q1 दिया हुआ है, Q0 है हमारा बेस ईयर का क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम या परचेस की हुई, और Q1 को बताया गया है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम या परचेस लेकिन करंट ईयर की। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप है टोटल, पहला प्राइस है, दूसरा क्वांटिटी है, तीसरा वैल्यू है और उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस है। तो प्राइस में हमने देखा है कि प्राइस का कंपैरिजन किया जाता है, क्वांटिटी में हमने देखा है कि हाउ मच क्वांटिटी यू कंज्यूम्ड और परचेज ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो कंपैरिजन किया जाता है। वैल्यू इंडेक्स में प्राइस और क्वांटिटी का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक्चुअल वैल्यू जो है वह हमें पता चलती है। और स्पेशल पर्पस की बात करें तो दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम पर्पस, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, फिर हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सिग्निफिकेंस देखे थे कि इस जो इंडेक्स नंबर है उसका यूज़ कौन कौन से क्षेत्र में होता है और किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी, यानी कि लोगों के लिए एक सूटेबल पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाए तो उसमें इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है। फिर स्ट्रेंथ्स और टेंडेंसी का कंपैरिजन करने के लिए भी, स्टडी करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है। देन फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि फॉरकास्टिंग का मतलब प्रिडिक्शन करना होता है, यानी कि फ्यूचर में आप किस तरीके से प्राइस को लेकर जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर बेस्ड डिसीजन को फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन्फ्लेशन को भी मेजरमेंट करने के लिए करता है कि यानी कि इन्फ्लेशन किस तरीके से पहले थी और अब किस तरीके से है,
तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल डेटा को भी देखो। फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो लास्ट प्राइस थी अभी उस प्राइस में क्या चेंजेस आया है और वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है या फिर डिफ्लेशन देखने मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन किस लिए हुआ, क्यों बनाया गया उसे, उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या था, पर्पस ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर इट्स स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर शुड बी क्लियरली डिसाइड टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी कि कौन सा ऐसा वेरिएबल जो है वो जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है प्रॉपर तरीके से मेजर करने के लिए और उसका क्लियर एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखा जाए, तो उसी ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस ईयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा जब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सो बेस ईयर इज कॉल्ड एज रेफरेंस ईयर, इट इज़ अ ईयर अगेंस्ट विच कंपेरिजन आर मेड। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलमिटीज एंड शुड बी इंस्टेंट इन द पास्ट। जैसे कि अगर मैं बेस ईयर की बात करूँ तो बेस ईयर में अगर हम लोग बेस ईयर लेते हैं तो अगर उस बेस ईयर में किसी भी तरीके की नेचुरल कैलमिटीज़ आई हुई थी या पेंडामिक आया हुआ था या किसी भी तरीके का डिज़ास्टर हुआ था तो वो चीज़ यहाँ पर कंसीडर होगी नहीं, जो नॉर्मल तरीके से फ्लो हो रही है उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम, यहाँ पे आइटम्स का भी सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो नेसेसरी है कंपैरिजन करने के लिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ नंबर ऑफ आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ईच एंड एवरी कमोडिटी, यानी कि सब कमोडिटी को आप नहीं ले सकते, सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू बी चूज सम फ्यू कमोडिटी फॉर द कंपेरिजन बेसिस। सो द कमोडिटी टू बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट हैबिट कस्टम ऑफ द पीपल। सो बिसाइड दिस ओनली स्टैंडर्ड और ग्रेड आइटम शुड बी इंक्लूड इन द बेटर रिजल्ट, यानी कि अगर स्टैंडर्ड कमोडिटी को या ग्रेड कमोडिटी को आप लेते हैं तो वो क्या देगा, वो आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। अब प्राइस कोटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कमोडिटी बन जाती है तो उसका प्राइस का कोटेशन एक आता है कि लाइक इसका प्राइस क्या होना चाहिए या इसकी प्राइस किस तरीके से मार्केट में बनाई जाए या मार्केट इसका प्राइस क्या डिसाइड होना चाहिए जो कमोडिटी को कंज्यूमर जो है वो परचेस कर सके। सो प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटी में वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, इसमें भी है कि देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वुलन क्लोथ की महाराष्ट्र में डिमांड ज़ीरो होती है, क्योंकि ज़ीरो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी है वो नाम मात्र होती है, यानी कि रेयरली ठंडी देखी जाती है, अदरवाइज मुंबई में ठंडी देखी नहीं जाती है, करेक्ट है। तो अगर वही मुंबई के अलावा हम मुंबई के किसी ऐसे ज़िला में चले जाएं जहां पर ठंडी बहुत ज़्यादा, जैसे नासिक हो गया, ठीक है, यहां सब चले जाएं तो यहां ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस यहां पर क्या होगा, कोटेशन दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन क्योंकि यूज़ ऑफ कमोडिटी कहीं पर कम है किसी कमोडिटी की, कहीं पर ज़्यादा है, सो फॉर दैट रीज़न ये प्लेस टू प्लेस क्या होती है, डिफरेंट होती है, शॉप टू शॉप डिफरेंट होती है इन द मार्केट। सो देयरफॉर इट इज डिजायरेबल दैट प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी टू अचीव एक्यूरेसी, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेस एंड पर्सन इन अ रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा, यानी कि जो प्राइस कोटेशन है वो हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए, यानी कि सब लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। जैसे भी मैं अगर बात करूं तो टमाटर की बात करते जो बेसिक कमोडिटी है, तो अगर वो 20 पर केजी है तो वो 20 पर केजी अमीर के लिए भी रहेगी, गरीब के लिए भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या देखने मिल जाएगा आपको कि पैकेजिंग क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे कि अभी वही टमाटो आप ठेले से लेते हो,
क्योंकि सेम टमाटर होने वाला है, किसी का कलर ज़्यादा नहीं रहेगा, टेस्ट अलग है, कैचअप वाला आने वाला है, एक ही आने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर वही टमाटर आप ठेले से लेते हो, आपको 20 पर kg मिल जाएगा। लेकिन अगर वही टमाटर आप एक जाके एक स्टैंडर्ड शॉप से लेते हो, एकदम पैकेट पैकेज वगैरह वगैरह एसी में रखा हुआ है, तो वो कितने मिलेगा? वो 50-100 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो अपना प्रिजर्विंग का है उनका, या फिर जो उनका यू कैन से जो उनकी पैकेजिंग है, वो भी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसका भी प्राइस वो लोग चार्ज करते हैं। तो जब बेसिक कमोडिटी की बात आती है तो वो अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि गरीब के लिए भी वही होनी चाहिए, अमीर के लिए भी वही होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, प्रॉपर एक्यूरेसी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी और प्लेस ऑफ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्ड चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। जनरली अरिथमेटिक मीन इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज इट्स सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर्ड टू द एवरेज। देखो अगर जब हम लोग एवरेज निकालने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन वेन वी कंप्यूट दिस यू कैन से इंडेक्स नंबर देन इट इज ईजी एज कंपेयर टू द एवरेज, अरिथमेटिक मीन वाला एवरेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने मिलता है कि हमें जो प्राइस प्रीवियस वाली ईयर वाली प्राइस होती है करंट ईयर प्राइस से, उसे क्या करना होता है, उसे कंपेरिजन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है असाइनिंग प्रॉपर वेट। अब यहाँ पर प्रॉपर वेट होना भी बहुत ज़रूरी है। वेट रिफर्स टू रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो वेट आर टू टाइप, पहला है क्वांटिटी, दूसरा है वैल्यू। क्वांटिटी और वेट को क्यू से डिनोट किया जाता है और वैल्यू उसको पी इंटू क्यू से डिनोट किया जाता है। सो सिंस ऑल द आइटम आर नॉट इक्वल इम्पॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब इसके लिए प्रॉपर फार्मूला की भी ज़रूरत है, बिना फार्मूला के कैलकुलेट नहीं होता है। सो वेरियस फार्मूला आर डिवाइस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो चॉइस ऑफ फार्मूला सुटेबल फार्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वाइल कैलकुलेटिंग और वाइल कैलकुलेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहला यह है कि आपके पास पहले तो सुटेबल फार्मूला होना चाहिए, देन आपका अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मेथड ऑफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। सो देर आर टू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, पहला सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा है वेटेज इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो पहला सिंपल इंडेक्स नंबर में हम तीन चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा वैल्यू इंडेक्स नंबर। और वेटेज वाले इंडेक्स नंबर की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और लिमिटेशन भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आज हमने कंस्ट्रक्शन देखा है कि इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है, पहला पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ द आइटम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, असाइनिंग प्रॉपर वेट एंड सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। थैंक यू सो मच एवरीवन, यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।